आज की वीडियो हम जानने वाले होंगे दो टर्म्स के बारे में, एक होती है इकोनॉमिक्स, एक होती है इकोनॉमी। आपको लगता होगा ये दोनों टर्म क्या होती है, सेम होती है, बट मैं आपको बता दूं एक्चुअली में इन दोनों टर्म में क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आज उसी डिफरेंस को हम जानने वाले होंगे कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखना सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है दैट फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट आवर प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज एट माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर मतलब होता है जब कोई चीज़ सब्जेक्ट होती है, यानी पढ़ने वाली चीज़ होती है, तो उसको हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या फोकस करते हैं, मतलब क्या पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन पढ़ते हैं, और जीके में हम हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते हैं, हिंदी में हम अपनी मातृभाषा को पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सही ढंग से प्रयोग कैसे किया जाए। अब याद रखना, हम रैशनल मैनेजमेंट उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो हमारे पास क्या होती है, स्केयर होती है। अब स्केयर का मतलब होता है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। जैसे मान लीजिए आपके घर पर अगर 24 घंटे पानी आता है, तो आप मेजॉरिटी चांसेस है कि पानी का आप वेस्ट करोगे। बट अगर वही पानी किसी लिमिटेड टाइम के लिए आए, एक घंटे के लिए आए, दो घंटे के लिए आए, तो आप उस पानी का क्या करोगे, रैशनल मैनेजमेंट करोगे। क्यों, क्योंकि पानी क्या है आपके लिए, स्केयर रिसोर्सेज है। ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर है। तो जब स्केयर होगा तो उसका हमें सही ढंग से प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम सही ढंग से प्रयोग क्यों करेंगे, ताकि हमें प्रॉफिट जो उससे मिलने वाला है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। मैक्सिमाइज मतलब कि लिमिटेड चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, माइक्रो यानी छोटे लेवल पर और मैक्रो यानी बड़े लेवल पर। आई होप आपको समझ आएगा बेसिक इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज है ना, उसका हम कैसे रैशनल मैनेजमेंट करें कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, माइक्रो यानी छोटे लेवल पर और मैक्रो यानी बड़े लेवल पर। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय वस्तु है। विषय वस्तु मतलब है कि एक विषय है जिसमें हम कुछ बातों को पढ़ते हैं, जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों का प्रयोग करें कि हमें व्यष्टि तथा समष्टि दोनों स्तरों पर उसका लाभ मिल सके। यानी अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय है यानी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड यानी स्केयर रिसोर्सेज है ना, उसको हम कैसे यूज करें, यानी व्यष्टि यानी छोटे स्तर पर, समष्टि यानी बड़े, दोनों स्तरों पर हमें उसका अधिक से अधिक प्रॉफिट यानी लाभ मिल सके। दोस्तों अगर हम एक वर्ड में बोले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज है ना, उसको हम कैसे यूज करें कि हमें माइक्रो और मैक्रो, छोटे और बड़े दोनों लेवल पर उसका फायदा मिल सके। दोस्तों यहाँ मैंने आपको स्केयर का मतलब भी बता दिया कि स्केयर का मतलब क्या होता है, जब किसी की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखना इकोनॉमी क्या होती है, जिसको हिंदी में हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन प्राप्त कराती है। तो इकोनॉमी का मतलब होता है, अगर मैं आपसे एक वर्ड में बोलूं, इकोनॉमी का मतलब होता है देश। क्या होता है इकोनॉमी का वर्ड मतलब, देश। जहां भी आपको इकोनॉमी दिखा हुआ मिल जाए ना, आप समझ जाना उस कंट्री की बात की जा रही है। अब इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी देश जहां पे लोग दो काम करें, लोग क्या करें, पैसा अर्न करें और स्पेंड करें। जहाँ भी ये दो काम हो रहे होते हैं ना, उसको हम क्या कहने जाते हैं, इकोनॉमी। जैसे आपने वर्ड सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। इनको हम इकोनॉमी क्यों कहते हैं, इनको हम इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं। जहाँ भी लोग ये दो काम कर रहे होंगे ना, उसको हम क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं, इकोनॉमी। इंडिया में भी लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं, तो इंडिया भी क्या है, एक अर्थव्यवस्था यानी एक इकोनॉमी है। दोस्तों आई होप आपको अब समझ आ गया होगा बेसिकली ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उसको हम कैसे यूज करें कि हमें माइक्रो और मैक्रो यानी छोटे और बड़े लेवल दोनों पर फायदा हो सके। जबकि इकोनॉमी का मतलब होता है देश। देश में लोग करते क्या है, पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं। जहां भी लोग कमाएंगे और खर्च करेंगे ना, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। आपने ये टर्म सुनी भी बहुत होगी, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। इनको हम इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, कमाते हैं और खर्च करते हैं। यही कारण है कि इनको हम इकोनॉमीज कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है।
दोस्तों कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।